बहुत बड़े लखपति। पिछले कुछ जोड़ियों ने हमें बेहद निराश किया, पर देखते हैं कि आज की जोड़ी बन पाएगी लखपति। विकास चिट्ठी निकाल। अगला नंबर है श्रेया की मम्मी का, और श्रेया की मम्मी की जोड़ी है श्रेया की दादी के साथ शर्मिला जी और लैला जी को बुलाया जाए। कैसा लग रहा है आप दोनों को हॉट सीट पे बैठ के? गरम गरम लग रहा है एकदम। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर भी मेरा साथ दे। भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, पर मैं मेरा बेस्ट दूंगी। आपको खेल के नियम बता देता हूँ। ये खेल 8 क्वेश्चन का होगा। 5वें क्वेश्चन के बाद आपको एक लाइफ लाइन दी जाएगी। 5वें क्वेश्चन के पहले आपके पास 2 लाइफ लाइन होंगी। फोन अ फ्रेंड आपको 5वें क्वेश्चन के बाद मिलेगी, उससे पहले 50-50 एंड ऑडियंस बोल आप यूज कर सकती हो। साथ ही इसमें 1,00,000 रुपए जीतना सिर्फ 8वें क्वेश्चन के बाद ही पॉसिबल होगा। उससे पहले आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप सब रेडी है खेला खेलने के लिए? लैला इज ऑलवेज रेडी फॉर खेला। शुरू करते हैं आज का खेला। तो शर्मिला जी, ललिता जी, लैला, लैला जी, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन ए मैंगो यानी आम का पेड़, ऑप्शन बी बनियन ट्री। अभी बनियन का भी ट्री होता है? ले मुझे आज पता चला, इतने बनियान खरीदने से अच्छा है बनियान ट्री लगा लेते हैं ना सुषमा, उसी बनियान लेंगे हम इनको, हमारे इनके बनियान इतने फट गए ना, चांस ही मिलता गड्ढे उसमें। बनियान ट्री यानी कि पहनने का बनियान नहीं, बनियान बरगद, बरगद का पेड़। बरगद क्या? वो तो मेरा फेवरेट पेड़ है और मेरी माँ का भी फेवरेट है। मेरी माँ हमेशा उसी के नीचे होती है। होती है वो? कुछ नहीं। खैर ऑप्शन सी पीपल का पेड़, ऑप्शन डी कोकोनट ट्री। बरगद को लॉक कर दीजिए फुल एंड फाइनल। मुझे नहीं लगता बरगद होगा, मुझे कुछ और लग रहा है। सासुमा मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। नहीं करना मुझे तेरे ऊपर विश्वास, बरगद को लॉक मत कीजिए, मुझे पीपल लग रहा है। सासुमा बरगद को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी बनियन ट्री को लॉक किया जाए। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा बनियन ट्री, पर आपका कॉन्फिडेंस एकदम सही था। बनियन ट्री इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। मुझे पता है, आई नो दिस। एशिया इज तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, और बाकी के सब उसके बाद आते हैं, तो एशिया को लॉक कर दीजिए। एशिया को लॉक किया जाए? सासुमा बोल रही है तो कर दीजिए लॉक, मेरा एक बार हो गया, इनका भी देख लेते हैं। कंप्यूटर महाशय एशिया को लॉक किया जाए। सही जवाब। वाह, ताज बहू की जोड़ी कमाल खेल रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 ये रहा आपके कंप्यूटर के इस पे। हिटलर की पार्टी किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी नाजी पार्टी, ऑप्शन सी कुक्लुक्स क्लैन पार्टी, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं तो पहले ही फेल हो गई थी, इतना पता नहीं मुझे। तू गई थी ना 12वीं तक? तो भूल गई, टटका करना नहीं भूलती। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ऑडियंस पोल लेंगे। कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल। ऑडियंस के हिसाब से ऑप्शन बी नाजी पार्टी को सबसे ज्यादा मिले हैं। ऑडियंस के साथ जाना चाहोगी? ऑडियंस के साथ जाएंगे। कंप्यूटर महाशय नाजी पार्टी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑडियंस कभी गलत नहीं होती। सही जवाब। वाह, 3 क्वेश्चन आपने आराम से पार कर लिया है और 1 लाइफ लाइन भी आपने खर्च की है।
बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड है? ये भी नहीं पता। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू गिनी, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी हवाई। ग्रीनलैंड शायद आइसलैंड के आसपास आता है एंड न्यू गिनी का कुछ पता नहीं, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। 50-50 लूंगी, आप 50-50 कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय 50-50। न्यू गिनी एंड ग्रीनलैंड ये दोनों बचे। देखा, मैंने जो दो कहा था वो चला गया। क्या करें, ग्रीनलैंड या फिर न्यू गिनी? ससुमा, हरियाली क्यों चुनते हैं? ग्रीनलैंड की बात कर, ग्रीनलैंड को लॉक कर दीजिए। ग्रीनलैंड। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड को लॉक किया जाए सही जवाब है। ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वाह, मजा आ गया। चार क्वेश्चन के जवाब दे दिए, दोनों लाइफलाइन खर्च कर दिए। अभी पांचवे क्वेश्चन की बारी। अगर पांचवे क्वेश्चन को आपने सही से जवाब दिया तो आपको एक और हेल्पलाइन मिलेगी, पर पांचवे क्वेश्चन को अब तक कोई पार नहीं कर पाया। देखते हैं आप में है क्या उतना दम। दम मारो दम। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इनमें से कौन सी कंट्री अफ्रीका में नहीं है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी सुडान, ऑप्शन डी अल्जीरिया। मुझे तो नहीं पता भाई इसका। मुझे यमन लग रहा है, बिकॉज मैंने यमन मिडल ईस्ट में है ऐसा सुना है। बाकी मोरक्को तो साउथ अफ्रीका में ही, अफ्रीका में ही है आई मीन, और बाकी अल्जीरिया भी अफ्रीका में है। सुडान नहीं लगता, या फिर सुडान और यमन में थोड़ा सा डिफिकल्ट। आई एम गोइंग विद यमन। यमन लग रहा है तो यमन को लॉक किया जाए। नहीं नहीं सुषमा, मुझे ऐसा लग जाए ना। चुप बैठ, तो मुझे आ रहा है, कंफर्म यमन को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, यमन को लॉक किया जाए। बहुत अच्छा खेल रहे हो, पर यहां पे आपने कोई चोक नहीं की है। यमन इज द राइट आंसर। वाह वाह वाह, सास बहू की जोड़ी ने पांच क्वेश्चन क्रॉस कर दिए हैं। बस तीन क्वेश्चन बाकी है, बस तीन। कमाल है। और इसी के साथ आपको मिलती है एक और लाइफ लाइन, जिसका नाम है फोन अ फ्रेंड। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इनमें से सबसे ज्यादा अमीर कौन सा देश है? ऑप्शन ए कतार, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी यूएई। आई थिंक अमेरिका इज द रिचेस्ट। नहीं नहीं सुषमा, मुझे ऐसा लग जाए ना, अमेरिका नहीं होगा। माना आपको अमेरिका जाना है, पर हर जगह अमेरिका बोलना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कतार हो सकता है, क्योंकि मैंने ना बहुत सुना है वहाँ पे अमीर अमीर लोग रहते हैं कतार में। अच्छा, तुझे कंफर्म पता है क्या? और शायद से मैंने ना पढ़ा भी, कंफर्म कतार को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, कतार को लॉक किया जाए। सच में पढ़ा है ना तूने? सच बोल। नहीं, मैंने ऐसे ही तुक्का मारा। पांचवे क्वेश्चन तक आ गई थी आपके पास एक और लाइफ लाइन थी, पर आपकी बहू ने तुक्का मार दिया। तुक्री। डांटिए मत, क्योंकि सही जवाब है। कमाल है, कमाल। बस दो सवाल दूर है आप लखपति बनने से। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इनमें से कौन सी रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है? ऑप्शन ए अमेज़न, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी
मुझे लग रहा है आखिरी लाइफ लाइन यूज कर लेते फोन को फ्रेंड करो फ्रेंड को फोन करो मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगी मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया जाए कंप्यूटर मास्टर है कॉल लगाया जाए वैसे कौन है ये जोही है मेरी बचपन की दोस्त हेलो जोही जी मैं कौन बनेगा लखपति से सविता बोल रहा हूँ तो क्या करूं जोही जोही लेला पार्टी में क्यों नहीं आई उस दिन अरे वो पार्टी का छोड़ना तू मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है क्या क्या समझ नहीं आया विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है लार्जेस्ट रिवर इज नाइल नाइल को लॉक कर दो ना नाइल सबसे बड़ी रिवर है लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट रिवर हेलो क्या काम किया आपकी दोस्त आपके दोस्त से तो कोई हेल्प नहीं मिल पाई क्या लगता है कौन सी होगी या फिर आप यहाँ पे आके गेम को क्वाइट करना चाहोगे क्या करें बहू मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे लग रहा है अमेज़न हो सकती है क्योंकि नील तो फर्स्ट लार्जेस्ट है कर दीजिए अमेज़न को लॉक जीते भी तो जीते हारे भी तो हारे क्या कर सकते कंप्यूटर महाशय ऑप्शन ए अमेज़न को लॉक किया जाए सही जवाब वाह 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 कमाल बेमिसाल लाजवाब क्या खेल रही हो दोनों आखिरी क्वेश्चन तक आप दोनों की जोड़ी पहली ऐसी है जो आखिरी क्वेश्चन तक आ गई है क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने देर तक चला था ऑप्शन ए 38 मिनट ऑप्शन बी 50 मिनट ऑप्शन सी 67 मिनट ऑप्शन डी 90 मिनट ले ये तो बहुत मुश्किल पूछ ली सवाल का जवाब देना चाहोगी या अभी यहाँ तक आके अगर आप क्वाइट भी करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा और सवाल का जवाब दोगी और अगर वो सही आया तो 1,00,000 रुपए जीत जाओगे तो रिस्क ले सकती हो आप तुझे क्या लग रहा है क्या होगा देखिए मेरे अंदर से तो चिक चिक के ना 38 और 90 में से लग रहा है कुछ ना कुछ होगा 38 पे और 90 पे जा रही है आपकी नजर शक्ति दे मुझे शक्ति दे 38 को लॉक कर दीजिए कंप्यूटर महाशय ऑप्शन ए 38 को लॉक किया जाए बहुत आगे तक आई थी आप लखपति के बस इतने करीब थी और यहाँ पे आके आपने सही जवाब दिया है और आप पति हो इस शो की पहली लखपति तो ललिता जी और शर्मिला जी बन जाती है केबीसी अब केबीएल यानी कौन बनेगा लखपति की लखपति और इस गेम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं